हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बहुत बहुत माजरा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट इट्स बीन 5 days एंड जिसकी वजह आपको मालूम ही होगा, मैंने स्टेटस भी अपलोड किया था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आफ्टर द वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगवाने के बाद मेरी काफ़ी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। आई डोंट नो कि लोगों की इतनी नहीं हुई, बट मेरी क्यों हो गई थी तबीयत डाउन। एंड ऑल्सो मैंने मॉडर्ना लगवाई थी, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, आई डोंट नो। और खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे काफ़ी पूछा, डेली अपडेट्स ले रहे थे एंड काफ़ी मेरा हाल पूछते रहे, काफ़ी मेल्स, जी मेल्स सब कुछ मिलती रही मुझे, इंस्टाग्राम एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का जितना भी बोलूँ धन्यवाद करूँ, थैंक यू बहुत कम है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हैवी गो। सो आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन मैं देना भूल गई। वीडियो बेसिकली हमारी होने वाली है पाकिस्तानी फिल्म्स इंसल्टिंग हिंदूज गॉड्स। सो इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे, मतलब हिंदूज बेसिकली, तो इस वीडियो को आज हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते वीडियो की तरफ, हैवी गो। और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। शुरुआत की वीडियो को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक पे है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और वहाँ की मूवीज वहाँ के हिंदू माइनॉरिटी को नीचा दिखाती है, और वहीं उल्टा हमारे बॉलीवुड में पाकिस्तान को बहुत पीसफुल और वहाँ के लोगों को बहुत ईमानदार दिखाया जाता है। वीडियो में आगे पाकिस्तानी मूवी के कुछ सीन दिखाए जाएंगे जिनमें हिंदुओं को बहुत बुरा वाला दिखाया गया है और इस रिलीजन और इस कल्चर का बहुत मजाक उड़ाया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तानी मूवी हुकूमत से। इसमें रिपोर्टर कुछ ऐसा लिखता है, ब्लैक क्वीन इस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द, बदचलन और वो बदकार औरत है जिसने पूरे कराची को बर्बाद करने का मंसूबा बना रखा है। ये औरत डाइनी नहीं, हिंदू भी है। ये औरत डाइन ही नहीं, हिंदू भी है। पाकिस्तान में हिंदुओं को इतना गिरा हुआ मानते हैं कि बड़ा अजीब लगता है कि और डैन तो है ही है मगर हिंदू भी है। मैं जानता हूं मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि बेशुमार भगवानों और एक एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। यहाँ तो साफ साफ नजर आता है कि हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाते हुए मुस्लिम सुप्रीमेसी दिखाई गई है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके दिल में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, मगर इसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाना, किसी दो धर्म के देवताओं को कंपेयर करके दिखाना और एक को सुप्रीम और एक को नीचे दिखाना बहुत गलत है, क्योंकि इसके बाद सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं। तुमने मेरे धर्म को चैलेंज किया है, मोबाइल ऑन रखना और कान से लगाए रखना। हाँ, अब देखने को मिलेगी बराबर की टक्कर। Few moments later, हिंदू औरत, तुमने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश था। अब एक मुसलमान का जवाब सुन, अल्लाह अकबर। मतलब हद कर दी यार, भगवान शिव कुछ नहीं कर पाए, सभी देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, उनमें बिल्कुल ताकत नहीं है। जो भी लोग अल्लाह में मानते हैं जीत हमेशा उनकी होती है। मगर लास्ट में घंटियां बज रही है और भगवान शिव को दिखाया गया है। शायद अब सेक्युलरिज्म दिखा दे, अब हमारे भगवानों की इज्जत कर दे, या फिर दोनों को ही जिता दे। देखो
देखो इनमें तो कुछ शर्म है नहीं, लेकिन मुझ में है। आगे का सीन मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें ये आदमी अल्लाह हू बोलता है, उतने ही भगवान शिव की मूर्ति हिलते हिलते गिर जाती है और टूट जाती है। अगर चबार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। धर्म परिवर्तन, देखो यह बात तो सही है, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन आम है। जैसे लड़की इस लड़की को कन्वर्ट होने पर इतना जोर दे रही है, पाकिस्तान में यह बहुत आम है। तभी डिवाइडेशन के बाद जहां पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, आज सिर्फ 2% तक रह गए हैं। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। मगर जिस हिसाब से ये औरत पूजा कर रही थी, एज अ व्यूअर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह धर्म परिवर्तन करेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यार समझ नहीं आता ये मूवी क्या थी, पता नहीं इसका क्या सब्जेक्ट था। मगर एक बात समझ आती है कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपका मुस्लिम होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदू हैं तो शायद आप ढंग से जी भी ना पाए, आपको शायद इज्जत भी ना मिले। इतनी प्रॉब्लम्स आपको सहनी पड़ेगी कि फाइनली आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब दूसरी मूवी में चलते हैं और उसका अगला सीन देखते हैं। ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश हिंदू को मैं जन्म ना लेती, किसी किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। बोला राजी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुभानअल्लाह, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी। इस सीन में एक हिंदू लड़की जिसे उसके पिताजी बचाने के लिए इंडियन आर्मी तक को ले आते हैं, वो हिंदुओं को कोसती है और खुद मुस्लिम बनना चाहती है। फिर से हिंदुओं की इमेज को यहाँ खराब दिखाया गया है और साफ साफ कन्वर्जन की तरफ इशारा है। और इस सीन में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि इस मूवी में इस लड़की का नाम सीता रखा गया है जानबूझकर, ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचे। इसमें यह दिखाया गया है कि सीता खुद मुसलमान बनना चाहती है, जिससे लोगों को ये मैसेज मिले कि जो राम को मानते हैं वो भी इस्लाम अपना ले। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। देखिए ये बात तो एकदम सेंसलेस है, क्योंकि भारत में औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है। और जहाँ तक बात है जुल्म की, तो मुगलों ने हजारों की संख्या में औरतों को काबुल के बाजार में बेचा था, और जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ वहाँ जबरदस्ती औरतों को उठा लेते थे। तो अगर मुगल हिंदू थे तो हाँ, हिंदू जुल्म करते हैं। ये सोचकर मेरा रास्ता छोड़ दो कि मैं भी इसी फौज की मेजर हूँ जिसके तुम कैप्टन हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हिंदू कौम के छूत हो और मैं सिख कौम के सिद्ध हूँ। देखो अभी तक हिंदू मुस्लिम चल रहा था, लेकिन यहाँ हिंदू और सिखों में लड़ाई कराने की कोशिश की गई है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अकेली लकड़ी को तोड़ना बहुत इजी होता है, वही अगर बंडल में लकड़ियाँ हो तो उन्हें एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सभी जानते हैं कि हिंदुओं और सिखों में हमेशा प्रेम रहा है, मगर पाकिस्तान में अपने फिल्मों के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि हिंदू और सिख भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि फिल्मों के द्वारा लाखों की संख्या में लोगों की विचारधारा प्रभावित होती है और कुछ लोग यह सच में समझने लग जाते हैं कि हाँ सच में हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस सीन में सिखों को शक्तिशाली दिखाकर हिंदू और सिखों में फूट डालने की कोशिश की गई है, ताकि दोनों धर्म आपस में ही लड़ते रहे और धीरे धीरे खत्म हो जाए। मन ले मेजरा के तुझी मुसलमानों की भेड़ हो। हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। इस केबल ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। याना मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बेवकूफ केबल क्यों बंद कराना चाहता है। अगर इसे इंडियन एक्टर्स से प्रॉब्लम है तो इंडियन चैनल को बैन कराने की बात करे, इंडियन मीडिया को बैन कराने की बात करे, मगर ये तो पूरे केबल को बैन कराने की बात कर रहा है। अगर ये केबल चलती रही तो बेटियों की जुबानें और बहनों के जमीर बदलते रहेंगे। उठा के फेंक दीजिए इस केबल को बॉर्डर के पार। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। देखिए केबल के जरिए हम सिर्फ फिल्म या गाने ही नहीं सुनते, हम बाहर के न्यूज़ भी देख सकते हैं और बाहर के लोगों से जुड़े रह सकते हैं। अगर केबल नहीं होगी तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश में ही हो क्या रहा है। ऐसी केबल बंद होगी तो पाकिस्तान में विकास कैसे होगा। वरना हम बॉर्डर पर जंग जीत कर भी ये जंग हार जाएंगे चचा। एक मिनट, बॉर्डर पर जंग जीती कब है?
दोस्तों जब भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है पाकिस्तान हारी हारी है और सबसे बड़ी हार तो एक मिनट बहुत बहादुर बनते हैं ना 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने That's all, Your Honor. That's all. एकदम गवारों वाली बात कही है सब झूठी झूठ कोई फैक्ट थे ही नहीं वहां बैठी ऑडियंस भी सोच रही होगी किस पागल से केस लड़ा लिया बेचारे ये तो सारे ही पागल है जैसे वो लंबी लंबी फेंकता गया ये लोग खुश होते गए सारी बात उसकी मानते गए और ये अपोजिशन वाला वकील क्यों ताली बजा रहा है भाई तू हार जाएगा ऐसे तो दोस्तों ये तो कुछ सीन थे पाकिस्तान के अब देखते हैं बॉलीवुड के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं समझ नहीं आया क्या करें तो एक दिन हम बैठे थे साथ में बहुत ही परेशान बोर हो रहे थे हमने कहा क्या करें दुश्मन देश चलते हैं मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है दुश्मन देश चलते हैं 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह नाइट हुए लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुआ वो परिवार के मकान के ऊपर दरवाजे के अंदर से बाहर से लगा और अंदर से पूरा ये परिवार बैठ के खाना खा रहा था दो मासूम बच्चे मौके के ऊपर वहाँ पे इनका जो है डेथ होगी और एक जो इन बच्चों की माँ है वो मौके के ऊपर उसकी भी डेथ होगी दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है मैं काफी जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन न्यूयॉर्क इस्तांबुल पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो टू क्रिएट एनी कॉन्ट्रोवर्सी जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है भारत की साइड जीत गई और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई मुझे अक्सर एयरपोर्ट पे मिलते हैं इंग्लैंड में मिले हैं जहाँ पर भी मिलते हैं बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं पूरा परिवार जो होते हैं बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलत फहमी नहीं है ये कुछ चंद लोग होते हैं जो गलत फहमियाँ बना लेते हैं उसको लेके चलते हैं जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए दोस्तों ये लोग पाकिस्तान की तारीफ इसलिए करते हैं वहाँ के लोगों की तारीफ इसलिए करते हैं ताकि इनकी मूवी वहाँ चल जाए वहाँ अच्छा बिजनेस कर ले इन्हें ये नहीं दिखता कि पाकिस्तान में हमारे देश की कितनी बेइज्जती होती है मुझे कुछ दिखाएंगे ना वहाँ जिस तरह वो मूवीज में इंडियंस को दिखाते हैं उनकी इमेज को खराब दिखाते हैं इन्हें भी उन्हीं रूप में उन्हें जवाब देना चाहिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई माइनॉरिटी को कुछ नहीं कहता कुछ लोग यहाँ है जो मुस्लिम माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बुरा भला कहते हैं मगर इतना ओपनली कोई भी नहीं कहता कभी भी कोई भी सिनेमा में ऐसा कोई सीन नहीं आया है जिन्हें उन्हें बुरा दिखाया जाए उल्टा इंडिया में तो हमेशा उन्हें अच्छा ही दिखाया जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद है जिसमें बात की जा रही है अबाउट पाकिस्तानी जो मूवीज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है और जैसे कि मूवीज़ में अक्सर जो है वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिक्र किया जाता है या टू थ्योरीज़ के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर बनाई जाती है अदर रिलीजन्स के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है आपको मालूम ही है बना ही मुस्लिम के नाम पर ही था लेकिन इसमें जो मेन चीज़ हाईलाइट होती है वो ये है और जो कि हमें जो कि मुझे भी फील हुई वो थी कि देखो भले वो कंट्री मुस्लिम है जो भी है कभी भी आपको मुझे किसी को भी हमें राइट नहीं बनता कि हम किसी अदर रिलीजन को जो है वो इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करें जैसे कि इसमें कहा गया बार बार हिंदू हिंदू वर्ड यूज करके और वो जिस तरह से मूर्ति को नीचे गिराया गया आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात थी और मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए था जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से हुआ
और बिल्कुल सही किया है इन्होंने, इस तरह की टॉपिक को हाईलाइट किया यहाँ पर लेकर आए इस वीडियो में। और हमने इस वीडियो को देखा और हमें आइडिया हुआ कि पाकिस्तान की मूवीज़ क्यों नहीं चल रही, क्यों पाकिस्तान की मूवीज़ जो हैं वो इतनी डाउन है। रीज़न यही है कि पाकिस्तान की मूवीज़ में कोई कॉन्टेंट अच्छा है ही नहीं। अगर अच्छा कॉन्टेंट होता तो इनको ये फजूल के कॉन्टेंट क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़ती। ये जो हिंदू मुस्लिम और ये मूर्ति तोड़ने वाला जो इन लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया और ज़्यादातर जो है वो शान जो है, शान ने ये जो करेक्टर निभाए हैं, आई डोंट नो कि उसको इतना अच्छा एक्टर कौन मानता है, जबकि उसमें तो इतनी अच्छी स्किल्स मुझे नज़र ना आई। और साथ में उनकी एक्टिंग देखें और साथ में उन लोग उनके डायलॉग स्पीकिंग देख लें, डिलीवर करना देख लें, मुझे लगता है कि इस कदर तो कोई खास था नहीं, बट फिर भी एक्टर ले लिया क्योंकि इनको इतनी अच्छी एक्टिंग आती नहीं है। एक ही एक्टर को ये लोग निचोड़ देते हैं, न्यू टैलेंट को तो लेते नहीं है वैसे भी, लेकिन चलो वो तो इनका अपना सरदर्द है। लेकिन हम कंटेंट पे आते हैं तो कंटेंट इन्होंने बहुत ही गलत उठाया था, तो ये कंटेंट आई थिंक नहीं लेना चाहिए था इनको ऐसा। और अगर कुछ लेते तो कुछ अच्छा ही दिखा देते, भाईचारा दिखाते, दोस्ती का रिश्ता निभाना दिखा देते। ऑल्सो हमारे पास भी हिंदू कम्यूनिटी रहती है, नॉट इन इंडिया ओनली, पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट दे देते यार। और मूर्ति गिराना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ जो है वो सिख और हिंदू वाला जो था वो भी मुझे बुरा लगा कि एटलीस्ट इस तरह से जो है ना लोगों के दिलों में मैल आती है, नफ़रतें पैदा होती हैं, तभी तो हम लोगों के रिलेशन जो है वो अब बेहतर नहीं हो रहे। रीज़न ये है कि लोग समझ चुके हैं कि ये लोग जो हैं ये भरोसे वाले नहीं हैं, इन लोगों के ये सिर्फ नफ़रतें पैदा करते हैं और बीच में नफ़रतें लेकर आ रहे हैं। सो गाइस इन मामलों को जब तक हम क्लियर नहीं करते, मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही पीछे ही रहेंगे और नीचे ही रहेंगे। यही चीज़ हमारे लिए जो कि नुकसानदेह है, और आज तक हम लोगों का दिल और दिमाग साफ नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पर हम थे। इसलिए हमें हमारी सोच चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कन्वर्शन करना और ये सारी चीज़ें दिखाना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और हमें भी सीखना चाहिए, अरब कंट्रीज से सीखना चाहिए, दूसरी कंट्रीज से सीखना चाहिए कि वो लोग किस तरह से अपने आप को आगे लेकर चल रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग उस तरफ लेकर जाएं जहाँ पर मामला जो है वो ऐसे चल रहे हैं। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बाय बाय।